चलिए बात करते हैं आज एक ऐसे टोकन की जो पॉलीगॉन नेटवर्क में बनाया गया है, जिसमें ना जाने प्रोजेक्ट के डेवलपर्स ने यानी कि प्रोजेक्ट के टीम मेंबर्स ने कितने इन्वेस्टर का पैसा लेकर के गायब हो गए हैं। इन शॉर्ट बोलूं तो उसने एक प्रकार का स्कैम किया है या उसने अपने इन्वेस्टर्स को चूना लगा दिया है। मैं बात कर रहा हूं ड्रैगोमा टोकन के। उसका नेटू टोकन डीए में आज 99% डाउन है और पता चला है कि इनके डेवलपर्स यानी कि इनकी टीम ने ये स्कैम किया है। कॉइन मार्केट कैप में चलते देखते हैं ड्रैगोमा की करंट प्राइस एक्शन, करंटली क्या चल रहा है, और वीडियो के एंड में मैं आपको दो बातें बताऊंगा जो आगे चल के आपकी मदद करेगी ताकि आप भी ऐसे स्कैम के शिकार ना बने। कॉइन मार्केट कैप में हम देखेंगे तो जो ड्रैगोमा की प्राइस है अभी 0.001774 USD है। ये 99.83% डाउन है। अगर आप इसकी रैंकिंग देखेंगे तो 2843 मतलब 2800 के ऊपर इसकी रैंकिंग है और ये 1819 1819 लोगों के वॉचेस में है। अगर आप इसका आज के दिन का चार्ट देखेंगे तो पहले ये डाउन में था, नेगेटिव में था, बट एक हैवी सेलिंग आई। यही पॉइंट था जहां पे इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के जो टीम है या जो ये प्रोजेक्ट के डेवलपर्स है वो पैसा लेकर के मतलब भाग गए और यहां से ये जो गिरा है ये सीधा जाकर के 99% के ऊपर मतलब इसकी डाउनफॉल हुई है। करंट की 99.83% जो है ये मतलब डाउन है। अभी बात करते हैं इसकी ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो की। तो ऑल टाइम हाई जो है उसकी वो अगस्त 7 2022 को थी जो कि 1.82 USD थी और ऑल टाइम हाई से ये 99.91% डाउन है। ऑल टाइम लो की बात करूं तो वापस ये 7 अगस्त 2022 को थी यानी कल और ये 0.007569 है और ऑल टाइम लो से ये 123.46% जो है ये मतलब अप है। तो देख सकते हैं इसकी ऑल टाइम हाई ऑल टाइम लो एक ही दिन में बनी थी वो है कल की डेट पे। मैक्सिमम सबका इसका आप बात करेंगे तो 42 मिलियन टोकन्स की है। तो पहले मैं बता देता हूँ कि ड्रैगोमा जो टोकन है वो कौन से प्रोजेक्ट में है। ये बेसिकली एक वेब3 प्रोजेक्ट है या आप ये कह सकते हैं कि ये लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स एप्लीकेशन टाइप प्रोजेक्ट है जिसमें गेमफाई एंड सोशलफाई एलिमेंट्स दोनों का कॉम्बिनेशन था। ओके, अब आज एक ट्विटर में ट्वीट आया था जिसमें सिक्योरिटी फर्म पेक्शर जो है उसने ट्वीट किया और उसके अनुसार ये रकपुर का शिकार हुआ है या ये कह लीजिए कि इसमें मतलब कि ड्रैगोमा टोकन में इसमें स्कैम हुआ है। टीम ने इन्वेस्टर्स के पैसे लेकर के मतलब जो है गायब हो गए हैं और जो नेटू टोकन डीएमए है वो टोकन जो है वो 99.8% जो है मतलब गिर चुका है। आप समझ सकते हैं 99.8 मतलब वर्चुअली ये जीरो हो चुका है और ये तब हुआ जब ये ऑल टाइम हाई टच किया था 1.81 USD में। उसी के बाद मतलब ये इसमें सेलिंग आई और ये मतलब नीचे गिर चुका है। स्कैम करने के बाद जो ड्रैगोमा टोकन की टीम है इन्होंने सभी सोशल मीडिया अकाउंट जैसे कि आप बात कर सकते हैं ट्विटर हो गया हो, टेलीग्राम हो गया हो, इनके रेडिट है, ये सभी सोशल मीडिया अकाउंट उन्होंने मतलब डिलीट कर दिया है और इनकी जो प्रोजेक्ट की वेबसाइट है वो भी जो है वो मतलब शटडाउन हो गई है। पेक्शर्ड के कहने के हिसाब से इन्होंने जो पैसा है जो इन्वेस्टर से पैसे चुराए हैं या जो स्कैम करके पैसे निकाले हैं वो पैसा उन्होंने कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में जो है डिपॉजिट कर दिया है, बट अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ है कि कितने पैसे जो है वो मतलब इन्वेस्टर से चुराए गए हैं। कि फाइनल कंफर्मेशन थोड़े दिन में पता चल जाएगी कि टोटली इनकी जो टीम है ड्रैगोमा की जो टीम है डेवलपर्स है इन्होंने कितने पैसे जो है वो इन्वेस्टर से मतलब चुराए हैं। आपको बता दूं कि ये जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट या ये जो स्कैम हुआ है ये शॉर्टली जब मैक्स ग्रोबर जो है MEXC ग्रोबर उसने अनाउंस किया कि वो भी जो ड्रैगोमा टोकन है उसको मतलब अपने एक्सचेंज में लिस्ट करेगा DMA USDT के पैर में। अभी ये न्यूज सुनने के बाद इन्वेस्टर्स इतने एक्साइटेड हो गए थे मतलब उनको लग रहा था कि ये जो टोकन है इसकी प्रॉस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छी है और ये अनाउंसमेंट जो है इसने इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है जिसमें कि सब इन्वेस्टर्स आकर के कूद पड़े और उन्होंने जो है मतलब टोकन को बाई करना चालू कर दिया और इतनी बाइंग हुई थी इसमें कल के दिन कि ये अपने ऑल टाइम हाई 1.8 USD तक मतलब टच कर चुका और जैसे ये मतलब टच किया उसके बाद में इसमें जो डेवलपर्स है ड्रैगोमा के जो टीम थी ड्रैगोमा की उसने मतलब स्कैम किया और अपने टोकन बेच करके पूरा पैसा निकाल करके मतलब जो है वो मतलब भाग गई। इन्वेस्टर्स को ये भी नहीं पता चला कि जब मैक्स ग्रोबर ने जब ये अनाउंसमेंट किया था तो यही चीज का यही मतलब अनाउंसमेंट का अपॉर्चुनिटी जो थी मतलब इसी अनाउंसमेंट का मौका जो थी वो टीम मतलब देख रही थी, ढूंढ रही थी कि कोई बड़ा एक्सचेंज ऐसा अनाउंसमेंट करे, अचानक इसकी प्राइस जैकअप हो, अचानक इसकी प्राइस ऊपर जाए, लोग बाई करे और वही टाइम पे हम अपना टोकन पर निकाल करके इसमें से मतलब स्कैम करके बाहर निकल जाए। अभी आप पेक्शर्ड का ट्विटर अकाउंट देख सकते हैं जो उन्होंने मतलब ट्वीट किया है, उन्होंने सेम यही चीज सब जो है वो मेंशन की हुई है। पेक्शर्ड ने यही मेंशन किया है, उसने यही कहा है कि जो ड्रैगोमा है उसमें एक टाइप का रकपुर हुआ है, इसका मतलब ये है कि एक टाइप का स्कैम हुआ है, 99.7% ड्रॉप हो गया है और इसने ये भी कहा है कि मतलब उन्होंने ये भी मेंशन किया कि ड्रैगोमा.io का जो वेबसाइट है वो फंक्शन नहीं कर रहा है और सारे सोशल मीडिया जो चैनल है वो डिलीट हो चुके हैं और स्टोर एंड फंड जैसे मैंने कहा था कि उन्होंने कोई सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में मतलब जो टीम है उन्होंने मतलब डिपॉजिट कर दिया। इन्होंने चार्ट बताया कि मतलब कैसा कौन से हिसाब से मतलब कितनी ब्रूटली कितने बुरी तरीके से मतलब ये जो है एकाएक मतलब नीचे गिर चुका है। सो दोस्तों ये थी ड्रैगोमा के 99% गिरने की कहानी। आपको पता चल गया होगा कि इसमें रकपुर यानी कि आप कह लीजिए कि एक तरह का स्कैम हुआ है और इन्वेस्टर्स के पैसे जो है वो डूब गए हैं। अब आपको इसमें दो चीजों पे ध्यान देना है जो आगे चल के आपको मदद करेगा ताकि आप भी किसी ऐसे स्कैम का शिकार ना बने। सबसे पहली बात, जैसे मैंने कई बार कहा था आपको इसके पहले भी कि जो डेवलपर्स या टीम का कोई भी डिटेल्स नहीं रहता पब्लिक डोमेन में, मतलब जो ये प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था ड्रैगोमा
इसमें डेवलपर्स या टीम का कोई इन्फॉर्मेशन था नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में किसी को पता नहीं कि ये किसने लॉन्च किया था। जब ऐसा कोई प्रोजेक्ट आपके सामने आए तो आप उसमें इन्वेस्ट करने के पहले 100 बार सोचिए, क्योंकि ऐसे लोगों का कुछ पता नहीं है, पब्लिक डोमेन में इनका इन्फॉर्मेशन नहीं है। कल के दिन अगर उन्होंने ऐसा स्कैम कर दिया, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ड्रैगोमा का इन्होंने स्कैम किया है, अब आप इनकी टीम को कहां पकड़ेंगे, क्योंकि आपको इनकी टीम के बारे में कुछ पता ही नहीं है। सेकंड जो चीज आपको ध्यान देनी है वो एमईएक्सी ग्लोबल की अनाउंसमेंट के बाद, जब इन्होंने जब इतने बड़े एक्सचेंज ने अनाउंसमेंट किया कि वो ड्रैगोमा को मतलब प्लेटफॉर्म में लिस्ट करेंगे डीएमए स्टॉक यूएसडीटी के पैर में, तो कई सारे इन्वेस्टर्स में मतलब बहुत एक्साइटमेंट हो गया था। उनको ये लग रहा था, उनको फोमो की फीलिंग आ गई थी, मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट। उनको ये लग रहा था कि अभी अगर मैं नहीं बाई करूं और इसकी प्राइस बढ़ जाएगी क्योंकि ये बड़े एक्सचेंज में लिस्ट हो गए, तो बाद में मुझे बहुत एक्सपेंसिव मिलेगा, या मतलब इसकी जो तेजी है वो मतलब मैं मिस कर दूंगा। और यही फोमो का जो फीलिंग था इन्वेस्टर्स का, इसी का फायदा जो है वो ड्रैगोमा की टीम ने उठाया है। ये छोटी छोटी चीजों पे आपको ध्यान देना चाहिए ताकि आप ऐसी स्कैम से मतलब आने वाले समय में बच सकते हैं। सो आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।